राष्ट्रीय राजवंश जो छत्तीसगढ़ में है, कल मौर्य और सातवाहन है ना, ये कंप्लीट हो गया था। किसी को कोई भी डाउट है? आप लोग को डाउट होता नहीं है तो आप पूछे नहीं हो, है ना। तीसरा डालना मेघवंश या महामेघवाहन वंश। तीसरा राजवंश है जो राष्ट्रीय राजवंश है ना, जो छत्तीसगढ़ में है, क्या नाम है? मेघवंश या महामेघ वाहन वंश। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक, देखो मौर्य वंश आया है ना, मौर्य वंश के बाद और गुप्त के पहले, मौर्य वंश के बाद और गुप्त के पहले जो समय है, इस समय कौन सा राजवंश आया? मेघ राजवंश है ना, मेघ वंश या महामेघ वंश। ठीक है, दोनों के बीच वाले समय में, मौर्य के बाद और गुप्त के पहले। ठीक है, एक दो शासक है, तुरंत हो जाएगा, फटाक से देखना है ना। तो एक शासक हुए इसमें, एक शासक हुए है ना, नाम क्या था उनका? महामेघवाहन है ना, महा मेघ वाहन। ठीक है, जो राजवंश का नाम है, जो राजवंश का नाम है इन्हीं के नाम पे पड़ा। यही क्या थे? संस्थापक थे है ना, यही क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, कहाँ पे था ये राजवंश? इन्होंने क्या किया? कलिंग, कलिंग उड़ीसा। कलिंग में क्या किया? एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया है ना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कहाँ पे किया? कलिंग में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने महामेघवाहन ने, जो कि संस्थापक है मेघवंश के, कलिंग में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, बस इतना हो गया। अब देखिए, ये शासक हुए, इनके बाद तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में है ना, तीसरी पीढ़ी में एक शासक हुए, तीसरी पीढ़ी में एक शासक हुए जिनका नाम कल मैं बताया था आपको है ना, एक बार वापस से बता रहा हूं। शासक हुए, नाम क्या था उनका? शासक का नाम था खारवेल। ठीक है, खारवेल के बारे में जो पढ़े थे हम, वो कलिंग कोशल है ना, पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग यही था ना, छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग था। अगर आवाज नहीं आएगी या कुछ भी होगा तो कमेंट करना आप लोग। ठीक है, चलिए। हाँ, तो तीसरी पीढ़ी में, महामेघवाहन की तीसरी पीढ़ी में कौन आया? खारवेल आया। ठीक है, तो ये शासन कहाँ पे करेगा? सेम जगह, कलिंग में करेगा है ना, कलिंग में ही शासन करेगा। छोटा सा राज्य था कलिंग में, मतलब उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में, कुछ हिस्से उड़ीसा के थे और कुछ हिस्से कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे। शासन कौन कर रहा है यहाँ पे? खारवेल। तिथि लिख लेना इसमें, दूसरी शताब्दी। कल भी दूसरी शताब्दी में ही बात कर रहे थे ना, सातवाहन राजवंश में। सातवाहन में कभी भी बात होगी तो मैं क्या बोला हूँ, लेके क्या चलना है? दूसरी शताब्दी। यहाँ पे भी दूसरी शताब्दी है। तीसरे शासक हुए मेघवंश के, खारवेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कलिंग के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में शासन किया है ना। शासन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। कलिंग में तो इनका राज्य था है ना, लेकिन साथ में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भी इनका शासन रहा। यहां तक ठीक है। अब ये जो जानकारी है, जो खारवेल के बारे में जो जानकारी है, ये मिल कहाँ पे रही है? बहुत इम्पॉर्टेंट है, नोट करना। ठीक है, खारवेल के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में जगह है उदयगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी पहाड़ी है? उदयगिरी की पहाड़ी। उदयगिरी की पहाड़ी में क्या है? हाथी गुम्फा,
शिलालेख, शिलालेख है ना, हाथी गुंफा शिलालेख है। कहां पे है? उड़ीसा। उड़ीसा में कहां पे? उदयगिरी की पहाड़ी में हाथी गुंफा शिलालेख है, वहां पे ये वर्णन मिल रहा है। ठीक है, उल्लेख या वर्णन कहां पे मिल रहा है? उड़ीसा में जो उदयगिरी की पहाड़ी है वहां पे एक शिलालेख है, हाथी गुंफा शिलालेख। ठीक है, मेघवंश या फिर महामेघवाहन वंश संस्थापक कौन थे? महामेघवाहन। इन्होंने क्या किया? कलिंग या फिर उड़ीसा क्षेत्र में एक अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाया, है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करना है, तुम ऊपर में करो, तुम बीच में करो, हमको अलग रखना है। ठीक है, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके ही तीसरी क्रम के शासक जो तीसरी पीढ़ी में हुए, खारवेल हुए, है ना। उस समय जो समय था, दूसरी शताब्दी का समय था उस समय। ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पे शासन किया, कुछ हिस्सों पे शासन किया उसको अपने राज्य के कब्जे में लेके। ठीक है, और ये जो खारवेल के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ पे मिलता है? खारवेल के बारे में जो जानकारी है वो उड़ीसा में उदयगिरी की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में क्या है? हाथी गुंफा शिलालेख है। ठीक है, वहाँ पे ये समस्त जानकारियाँ मिलती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मेघ वंश या फिर महामेघवाहन वंश की बस इतनी जानकारी है। चलिए, मेघ वंश के बाद चौथा डालेंगे वाकाटक वंश, है ना। कहीं कहीं पे कुषाण वंश आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, लेकिन कुषाण वंश के सिक्के ही मिले हैं जो कि सातवाहन वंश में हम पढ़ चुके हैं, है ना। बाकी कुछ शासक या ऐसी जानकारी नहीं है, तो कुषाण वंश नहीं पढ़ना है। तो चौथा राजवंश कौन सा? जो राष्ट्रीय राजवंश है और जो छत्तीसगढ़ में जिसका प्रभुत्व रहा है, चौथा राजवंश हो गया वाकाटक, वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक वंश की तिथि लिख लेना, 250 से 500 ईस्वी, है ना। याद नहीं करना है, बस ध्यान में रखना 250 से 500 ईस्वी। और ये याद भी नहीं करना पड़ेगा, एक चीज बताऊंगा फिर वो ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ जानकारियां देख लेना इसकी, है ना। वाकाटक राजवंश, पहले देखना राज्य कहां पे था, फिर कहानी बताऊंगा, है ना। वाकाटक राजवंश का राज्य कहां पर था? महाराष्ट्र, है ना, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र और कहां पे? विदर्भ। विदर्भ वाले क्षेत्र को बरार भी कहेंगे, है ना। बरार और विदर्भ कहां पे है देखना, एक बार बता दे रहा हूं। अभी पूरे आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास तक से बरार का जो हिस्सा है ये आएगा, है ना। बरार कहां पे है? जो सेंट्रल प्रोविंस था, है ना, जो मध्य प्रांत था। तो मध्य प्रांत कहां पे? नागपुर तक से, है ना, नागपुर तक से ये मध्य प्रांत हो गया। ठीक है, ईश्वर क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। यहां से महाराष्ट्र स्टार्ट हो चुका है, ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहां से महाराष्ट्र स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ईश्वर क्या है? एमपी है। ठीक है, ये भी मध्य प्रांत में है। ठीक है, नागपुर के पास यहां पे, ठीक है, नागपुर से थोड़ा सा और पश्चिम की ओर चलेंगे या फिर उल्टे हाथ की ओर चलेंगे। नागपुर से थोड़ा सा किस ओर चलेंगे? पश्चिम की ओर या फिर उल्टे हाथ की ओर। तो वहां पे एक जगह मिलेगी आपको, वर्धा, है ना। कौन सी जगह मिलेगी? वर्धा। यहां पे वर्धा है, ठीक है। नागपुर से थोड़ा और उल्टे हाथ की ओर चलेंगे, महाराष्ट्र में और जाएंगे पश्चिम की ओर, तो ये वर्धा है। ठीक है, इस वर्धा से और पश्चिम की ओर जाएंगे
तो यहां पे एक जगह है मलकापुर, मलकापुर है ना, यहां पे एक जगह है मलकापुर। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, और मलकापुर के नीचे वाला हिस्सा हो गया ये कौन सा हो गया, तेलंगाना हो गया, उस समय आंध्रा ही था है ना, यहां पे हैदराबाद वाला क्षेत्र था जो निजाम का क्षेत्र था, ठीक है। तो ये जो वर्धा से लेके पश्चिम की ओर जो मलकापुर तक चले ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता था, ये बरार है ना, बरार या फिर विदर्भ यही कहलाता था। इसको और भी है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और भी है इस तरफ है ना, लेकिन एक अगर आपको देखना है बॉर्डर तो वर्धा से लेके मलकापुर के बीच का जो हिस्सा है ऊपर मध्य प्रदेश, नीचे तेलंगाना हैदराबाद वाला है ना, जो बीच वाला हिस्सा है वही क्या है, विदर्भ या फिर बरार है, ठीक है। तो यहीं पे विदर्भ या बरार है ना, और ये उत्तरी महाराष्ट्र का हिस्सा है। यहाँ पे कौन से राजवंश था, कौन सा राजवंश, वाकाटक राजवंश, ठीक है, ये क्लियर हुआ वाकाटक राजवंश कहाँ पे है। चलिए ठीक है, चलिए इससे पहले कौन सा राजवंश था, सातवाहन है ना, तो सातवाहन के पश्चात, सातवाहन के पश्चात सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, सातवाहन के पश्चात पहले क्या आया, मौर्य वंश आया, फिर सातवाहन वंश आया, फिर मेघवंश। मेघवंश एक छोटे से हिस्से में था, उसको बीच में है करके कवर कर लिए, लेकिन सातवाहन के बाद सीधा सीधा क्या आ गया, वाकाटक राजवंश आया, ठीक है। अब इनका जो काल था, शासन का जो काल था, ठीक है, ये कब से कब तक लेके चलेंगे, शासन का जो काल है वो तीसरी सदी से, तीसरी से पांचवी, ठीक है, तीसरी से पांचवी सदी तक। अब तीसरी से पांचवी सदी है इसीलिए इसी समय, तो इनके समकालीन में लिखना, इनके समकालीन कौन थे, इनके समकालीन कौन थे, एक तो लिखना गुप्त है ना, गुप्त वंश इनके समकालीन थे, और दूसरा है नल वंश, बहुत इंपॉर्टेंट नल वंश है ना। तो वाकाटक राजवंश के समकालीन कौन थे, गुप्त वंश और नल वंश थे, इसीलिए चूंकि समकालीन कौन थे, गुप्त वंश, इसीलिए कहीं कहीं पे कभी कभी आप क्या देखोगे कि कभी वाकाटक राजवंश है ना, शासन में क्या देखोगे, कभी वाकाटक है और कभी क्या है, आपको वापस से गुप्त दिखने लग जाएंगे है ना, कभी वाकाटक और कभी गुप्त, क्योंकि समकालीन है, और गुप्त जो वंश था वो बहुत बड़ा था, तो यहाँ पे कहीं कहीं पे उनका प्रभाव था, कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगहों पे उनका राज्य यहाँ पर भी था, वाकाटक उनके अधीन थे कहीं कहीं पर, ये पता चलता है, अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। समकालीन देख लिए, एक इतिहासकार है, नाम लिखना ठीक है, इतिहासकार का नाम है बालचंद जैन, बालचंद्र जैन है ना, ये कौन है, इतिहासकार हैं, बालचंद्र जैन जो हैं वो कौन है, इतिहासकार हैं, चंद्र नहीं है, चंद है ना, बालचंद्र जैन है वो जो इतिहासकार है। इन्होंने अनुमान क्या लगाया है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इनका अनुमान क्या कहता है, इन्होंने एक अनुमान लगाया, जो भी इनको जानकारी मिली है, जो भी विवरणों से है ना, साहित्यिक विवरणों से, या फिर जो वाकाटक वंश के, जो वाकाटक वंश में उस काल में जो भी और साहित्यिक रचनाएं थी है ना, या फिर वंश की ही जो जानकारी थी, उससे इन्होंने अनुमान क्या लगाया है कि ओरछा राज्य है ना, ओरछा राज्य कहाँ पे, मध्य प्रदेश, ठीक है,
ओरछा राज्य में एक गांव क्या है? वाकाटक ग्राम है एक, ठीक है? ओरछा राज्य में एक वाकाटक ग्राम मिलता है। ओरछा राज्य में एक वाकाटक ग्राम मिलता है। तो बालचंद जैन क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? उनका एक अनुमान है कि इसी ग्राम से, है ना, इसी ग्राम में इनका राज्य रहा होगा। ये केवल अनुमान है, ठीक है, कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं वो। उनका एक अनुमान है जो उनका रिसर्च था, वो जिन्होंने जो खोजा, जो देखा, जो पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या बता रहे हैं जो इतिहासकार हैं बालचंद जैन, कि ओरछा राज्य जो एमपी में है उसके अंडर में एक गांव है वाकाटक ग्राम, है ना, हो सकता है कि इनका राज्य वहाँ पर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ आ गया। चलिए अब इसके बाद पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में जो वाकाटक राजवंश है इनकी चार शाखाएं हैं। भारत में चार शाखाएं, भारत में कितनी शाखाएं हैं? चार शाखाएं हैं, ठीक है। चार शाखाओं में से दो शाखाओं की, जो दो शाखाएं हैं, है ना, दो शाखाएं, पहला एक ले लो नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, ठीक है, और दूसरा है वत्सगुल्म। एक शाखा हो गई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन को आप ब्रैकेट में लिख लेना नागपुर, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? नागपुर। तो ये जो नंदीवर्धन और जो वत्सगुल्म, जो ये दो शाखाएं हैं, ये जो दो शाखाएं हैं, ठीक है, इनका संबंध रहा है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, नंदीवर्धन, भारत में वाकाटक राजवंश की कुल चार शाखाएं हैं, उसमें से जो दो शाखाएं हैं नंदीवर्धन, जो नागपुर वाला क्षेत्र है, और दूसरी शाखा है वत्सगुल्म। ठीक है, वत्सगुल्म कहाँ पे है ये भी आगे बताऊंगा। ठीक है, वत्सगुल्म जो दो शाखा हैं ये छत्तीसगढ़ से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ से क्या है ये? प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही ना सबको? ठीक, ये छत्तीसगढ़ से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ठीक, और ये जो नंदीवर्धन है, ये जो नंदीवर्धन है यही क्या है? इनकी राजधानी है। किनकी राजधानी है? वाकाटक राजवंश की। ठीक है, जो नंदीवर्धन है, जो नागपुर वाला क्षेत्र है, यही क्या है? वाकाटक राजवंश की राजधानी है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस रिपीट कर दूंगा। चलिए देखिए, ठीक है, वाकाटक राजवंश पढ़ रहे हैं, समय कब से कब तक है? दूसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी, इसी को मैंने क्या लिखा है? 250 से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये राज्य कहाँ पे है, मतलब वाकाटक राजवंश का जो राज्य का जो क्षेत्र था वह कहाँ पे मिलता है अपने को? उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, बरार वाला क्षेत्र, है ना, अभी बताया एक्सप्लेन करके, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, विदर्भ बरार कहाँ पे है, है ना, मलकापुर इधर, और इधर कहाँ से? वर्धा से लेके मलकापुर तक, है ना, हो गया। ठीक, चलिए, सातवाहन वंश के पश्चात आया ये, सातवाहन वंश के पश्चात आया। ठीक है, काल है तीसरी शताब्दी से पांचवी शताब्दी। ठीक, समकालीन राजवंश कौन कौन से थे? गुप्त वंश, जो पूरे भारत में छाया हुआ था, ठीक है, और नलवंश, नलवंश हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य के इतिहास में, बस्तर वाले क्षेत्र में। तो दो राजवंश जो समकालीन थे, गुप्त वंश और नलवंश हो गए। ठीक है, क्योंकि समकालीन थे इसीलिए क्या था, कहीं कहीं पर प्रभाव, कभी कभी आप देखोगे कि गुप्त शासकों का शासन है, कभी देखोगे फिर वापस
वाकाटक राजवंश का शासन है, फिर कहीं पर गुप्त राजवंश का है, फिर कहीं पर वाकाटक राजवंश का है, ठीक है। बालचंद जैन जो एक इतिहासकार है, उन्होंने क्या बताया है कि जो इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है, ओरछा राज्य मध्य प्रदेश में, ओरछा राज्य मध्य प्रदेश में, वहाँ पे क्या है, वाकाटक नाम का एक ग्राम है, इसी को इन्होंने केंद्र माना है, ठीक है, इनके राज्य का एक केंद्र माना है, इनका अनुमान है, ठीक है, हो गया। अब भारत में कितनी शाखाएं राजवंश की, वाकाटक राजवंश की, चार शाखाएं हैं। चार शाखाओं में जो दो शाखाएं हैं, एक नंदीवर्धन नागपुर वाला क्षेत्र और दूसरा है वत्स गुल्म, ठीक है, इन दोनों शाखाओं का छत्तीसगढ़ से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। और वाकाटक राजवंश की राजधानी यही नंदीवर्धन, ठीक है। चलिए अब इसी में हेडिंग डालना, ये तो जानकारी हो गई वाकाटक राजवंश की कि कहाँ पे क्या था, है ना। अब इसमें सब हेडिंग डालना शासक, शासक, ठीक है, शासक, शासक पढ़ेंगे अब। बहुत छोटे छोटे शासक है ना, अभी हो जाएगा फटाफट। चलिए सब हेडिंग क्या डालोगे, शासक, ठीक। पहले नंबर पे कौन आए, विंध्य शक्ति, पहले नंबर पे लिखना विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति पहले नंबर पे आए तो क्या रहेंगे, ये संस्थापक थे, संस्थापक और प्रथम शासक भी लिख लो, ठीक है। पहले शासक कौन हो गए, विंध्य शक्ति हो गए। दूसरा लिखना इनके ही पुत्र, है ना, पिता के पश्चात पुत्र, प्रवर सेन, प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन प्रथम, कहीं कहीं पे आपको प्रवर राज मिलेगा लेकिन लगाना क्या है, प्रवर सेन, है ना, प्रवर राज कोई नहीं थे, तो प्रवर सेन प्रथम हो गए, ठीक है। कौन थे ये, विंध्य शक्ति के पुत्र थे, विंध्य शक्ति के पुत्र थे, ठीक। इनके समय इन्होंने क्या किया था, साम्राज्य को विस्तारित किया था, साम्राज्य में विस्तार किया था, है ना, बहुत ज़्यादा अधिक विस्तार कर लिया था। तो जो इनके पूर्व जो वाकाटक राजवंश था, वो जो केवल एक एक हिस्से में था, मध्य क्षेत्र में ही था, लास्ट तक से मध्य क्षेत्र में ही रहा होगा, है ना, रहा था मतलब। तो इन्होंने क्या किया था, चारों तरफ से उसकी सीमाओं को और भी ज़्यादा विस्तार कर दिया था, ठीक है, अपने राज्य को फैलाया हुआ था। तो इसके समय में जो राज्य की सीमा मिलती है, इसके समय में जो राज्य की सीमा मिलती है वो उत्तर में लिखना आप, उत्तर में है बघेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड, ठीक है, उत्तर में क्या है, बुंदेलखंड, यूपी वाला क्षेत्र, ठीक है। इस तरफ जो लेंगे पूर्व की तरफ सीधे हाथ की ओर, है ना, वो पूरा उड़ीसा आ चुका था इस समय, पूरा उड़ीसा, है ना, पूरा, अगर पूर्व की ओर देखेंगे तो पूरा उड़ीसा आ चुका था। पहले पूरा उड़ीसा था क्या, नहीं था, इवन छत्तीसगढ़ भी पूरा नहीं था, छत्तीसगढ़ का केवल पश्चिमी हिस्सा था, मध्य हिस्सा भी नहीं था, ठीक है। तो पूर्ण उड़ीसा आ चुका था। दक्षिण में देखेंगे तो ये हैदराबाद तक से हो चुका था, ठीक है, दक्षिण में हैदराबाद तक से। और पश्चिम वाला हिस्सा अगर देखेंगे तो पश्चिम में ये जो था ये राजस्थान तक आ चुका था, ठीक है, पश्चिम में कहाँ तक आ चुका था, ये राजस्थान तक आ चुका था, लेकिन इसका जो अधिकार था, है ना, राजस्थान तक था लेकिन जो अधिकार था वो केवल नागपुर तक था, ठीक है। साम्राज्य था कहाँ तक से, राजस्थान तक से, लेकिन जो अधिकार है वो कहाँ तक से था, केवल नागपुर तक से। तो ये जो बीच वाला जो पूरा ये हिस्सा है ना, ये क्या था, वाकाटक था,
किसके समय में? प्रवरसेन प्रथम के समय में, ठीक है। तो बहुत बड़ा शासक था, जानकारी ज्यादा नहीं है लेकिन, ठीक है। अब जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु हो जाती है, इसके पश्चात यहाँ पे गुप्त आ जाते हैं, ठीक है। गुप्तों का आगमन यहाँ पे हो चुका, कहाँ पे? वाकाटक राजवंश के क्षेत्र में यहाँ पे गुप्त आ गए, ठीक है। अब जब गुप्त आ गए, अच्छा एक चीज और लिखना, प्रवरसेन की उपाधि महाराज की थी, ठीक है। उपाधि क्या थी? महाराज की उपाधि थी। प्रवरसेन प्रथम की उपाधि क्या थी? महाराज की उपाधि थी। अब जब गुप्त यहाँ पे आ गए, इसके पश्चात जो शासक थे वो गुप्तों के प्रभाव में थे, है ना, गुप्तों के अंडर में थे। जो भी कार्य होते थे वो गुप्त, जो गुप्त राजवंश है उनकी अनुमति से होते थे। तो प्रत्यक्ष शासन यहाँ पे नहीं था, ठीक है। दो शासकों के बाद प्रत्यक्ष शासन नहीं था, नाम के राजा थे, ठीक है। तो क्रमवार राजाओं का नाम लिखना, पहले हो गए विंध्य शक्ति जो संस्थापक थे, प्रथम शासक थे, उसके बाद उनका पुत्र आया प्रवरसेन प्रथम, जिसने साम्राज्य को विस्तार किया, है ना, साम्राज्य में विस्तार किया, उत्तर में बुंदेलखंड तक, यूपी तक, है ना, पश्चिम में पूरा उड़ीसा तक, सॉरी पूर्व में पूरा उड़ीसा तक, पश्चिम में कहाँ तक? राजस्थान तक था, लेकिन नागपुर तक उनका अधिकार था। राज्य कहाँ तक था? राजस्थान तक था, लेकिन अधिकार केवल कहाँ तक था? कहाँ तक था? नागपुर तक था, दक्षिण में हैदराबाद तक, ठीक है। अब तीसरे शासक यहाँ पे लिखना, प्रवरसेन प्रथम दूसरे शासक हुए, तीसरे शासक लिखना रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम, ठीक है। चौथा शासक भी लिख लेना यहाँ पे, पृथ्वीसेन प्रथम। कोई जानकारी नहीं, ठीक है। तीसरे शासक रुद्रसेन प्रथम, चौथे शासक कौन हुए? पृथ्वीसेन प्रथम, ठीक है। अब उसके बाद लिखना पांचवा शासक, है ना, रुद्रसेन द्वितीय। इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय। इसके बारे में एक चीज जान लेना, संभवतः, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, कहीं बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, संभवतः प्रवरसेन की मृत्यु हुई, उसके बाद दो शासक कौन आए? रुद्रसेन प्रथम और पृथ्वीसेन प्रथम। उसके बाद तीसरा कौन आया? रुद्रसेन द्वितीय। तो संभवतः यहां पे जो अभिलेख मिलते हैं उससे कहा जा सकता है कि ये, है ना, प्रवरसेन का, प्रवरसेन प्रथम का तीसरा पुत्र हो सकता है, है ना, तीसरा पुत्र, ठीक है, संभवतः तीसरा पुत्र, संभवतः, है ना, अभी लेके चलना। क्यों क्यों संभवतः है? क्योंकि इसका एक जो प्रमाण मिलता है वो आगे मिलेगा, तो यहां पे नोट करना। ठीक है, तो संभवतः तीसरा पुत्र किसको कहा गया है यहां पे? रुद्रसेन द्वितीय को, ठीक है। रुद्रसेन के बारे में एक जानकारी हो गई, दूसरी जानकारी यहां पे लिखना, इनका विवाह जो है, रुद्रसेन का जो विवाह है, ठीक है, वो हुआ था प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त, है ना, प्रभावती गुप्त। ये कौन थी? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जानते हो, गुप्त वंश के शासक, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी पुत्री थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। मार्कर अच्छे से नहीं है, ठीक है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? गुप्त शासक थे, है ना,
ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? रुद्रसेन द्वितीय संभवतः प्रवरसेन प्रथम के तीसरे पुत्र हो सकते हैं, जिनका विवाह प्रभावती गुप्त से हुआ। प्रभावती गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, जब शादी हो गई है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु है ना, अकाल मृत्यु हो गई। किसकी हो गई भाई? रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु हो गई। अब उसके बाद राज्य कौन करे, है ना, शासक के तौर पर कौन बैठे? तो इस समय इसकी मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने क्या किया, प्रभावती गुप्त थी ये संरक्षिका बन गई। संरक्षिका किसकी, किस चीज की संरक्षिका बनी है, ठीक है, अपने पुत्रों की और राज्य की, है ना, पुत्रों की, पुत्रों की संरक्षिका बनी और राज्य का संचालन करने लगी। ठीक है, राज्य का संचालन करने लगी, एक कार्यवाहक राजा के तौर पे या फिर एक कार्यवाहक शासक के तौर पे, ठीक है। इनका पुत्र था, ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती का एक पुत्र था, ठीक। पुत्र का नाम क्या था? दामोदर सेन। पुत्र का नाम था दामोदर सेन। यहां तक सबको कहानी समझ आई, ठीक है। दामोदर सेन क्या है, अभी बालक है, बहुत छोटा है, इसके लिए वो शासक नहीं बन सकता है ना। तो शासक के तौर पर अभी कार्य संचालन कौन कर रहा है राज्य का? प्रभावती गुप्त, है ना, संरक्षिका बन के। और भी पुत्र थे इसके, ठीक है, दामोदर सेन इकलौता नहीं था, ठीक। तो यहां पर एक चीज होती है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दामोदर सेन चूंकि बच्चे थे, अभी बालक थे, है ना, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में इनके दरबारी कवि, इनके कौन दरबारी कवि, क्या नाम, दरबारी कवि का नाम क्या है? कालिदास। ठीक है, अब समझ आया कालिदास कहां से आ गए थे सरगुजा की पहाड़ी में। तो इनके जो दरबारी कवि थे कालिदास, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, कालिदास को कहां भेजा, कालिदास को कहां भेजा, प्रभावती के दरबार में। ठीक है, कालिदास को कहां भेजा, प्रभावती के दरबार में, किस चीज के लिए, वहां पे क्या करना, वहां पे कविता सुनाना या कविता लिखना, इसकी वजह से नहीं, ठीक है। कालिदास को प्रभावती के दरबार में भेजा दामोदर सेन, है ना, या फिर प्रभावती के पुत्र की शिक्षा और दीक्षा के लिए, शिक्षा और दीक्षा के लिए। ठीक है, कहानी सबको समझ आई। यहां पे पांचवा शासक कौन, रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। संभवतः क्या माना जा सकता है, इनको प्रवरसेन प्रथम का तीसरा पुत्र हो सकता है, जो साक्ष्य मिले हैं, जो विवरण मिले हैं उनके आधार पे, जो मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किसके साथ हो गया, प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन, गुप्त वंश का प्रतापी शासक, ठीक है। चलिए, इसके बाद रुद्रसेन द्वितीय की अकाल मृत्यु हो जाती है, किंतु उनका एक बच्चा है, ठीक है, और भी बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो सबसे बड़ा है, क्या नाम है उसका, दामोदर सेन। वो अभी चूंकि शासक बनने योग्य नहीं है, बाल्यावस्था में है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त क्या करती है, यहाँ पे जो शासन की बागडोर है अपने हाथ में लेके, संरक्षिका का एक पद लेके दायित्व को संभालती है, कार्यवाहक शासिका के तौर पे, ठीक है, ठीक। उसके बाद दामोदर सेन के नाना कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो देख रहे हैं ना भाई, अब उनकी बेटी का ही राज्य है, तो ऐसे थोड़ा ना छोड़ देंगे, नहीं तो आक्रमण हो जाएगा, किसी दूसरे राजवंश का वहां पे शासन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया,
जो दामोदर सेन है उनको तैयार करने के लिए, एक योग्य शासक बनाने के लिए अपने दरबारी कवि कालिदास को, है ना, अपने दरबार से कहाँ भेज दिया, प्रभावती गुप्त के दरबार में, ठीक है, किस लिए, दामोदर सेन की शिक्षा और दीक्षा के लिए। तो रुद्रसेन द्वितीय का कहानी यहाँ पे खत्म है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना। चलिए, पांच शासक हो गए, पहला था विंध्य शक्ति, है ना, दूसरा प्रवरसेन प्रथम, तीसरा रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय। तो याद करने लायक कौन सा है, बड़ा सा, बाकी तो एक लाइन, और किसी में तो एक लाइन भी नहीं है। तो याद करने वाला रुद्रसेन द्वितीय है, इसी में कहानी है, ठीक है। उसके बाद छठा शासक लिखना आप यहाँ से, प्रवरसेन द्वितीय, जो प्रवरसेन प्रथम था वैसा ही छठा शासक कौन आ जाएगा यहाँ पे, प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है, छठा शासक आ गया प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। चलिए, दामोदर सेन जो था, दामोदर सेन जो था प्रभावती का बेटा जो था, वही बड़ा होके क्या बन गया है, वही तो प्रवरसेन द्वितीय बन गया है, ठीक है। बड़ा होने पर उसने प्रवरसेन द्वितीय ये शासक के तौर पर नाम उसने क्या बोलते हैं अपनाया, ठीक है। दामोदर सेन उसका बचपन का नाम था, उसका व्यक्तिगत नाम था, ठीक है। और ये जो प्रवरसेन द्वितीय है, इसका शासन संचालन के लिए जो एक नाम उसने अडेप्ट किया है ना, वो क्या हुआ बड़ा होने के बाद, दामोदर सेन। चलिए, ये समझ आ गया, ठीक। अब देखिए, जो कालिदास थे, है ना, जो कालिदास थे, प्रवरसेन शिक्षा दीक्षा लेके बड़े हो गए, शासक भी बन गए, शासक बन के बैठ भी गए। अब कालिदास के पास क्या काम रह गया, पहले तो बिजी थे वो, है ना, इनको रेडी करने के लिए बिजी थे। अब कालिदास ने क्या किया कि इस पूरे क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया उन्होंने, छत्तीसगढ़ की यात्रा की, और यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे, यात्रा करते करते कहाँ पहुंचे, सरगुजा, यात्रा करते करते पहुंचे सरगुजा। सरगुजा में कहाँ पहुंचे, सबको कहानी पता होगी, रामगढ़, रामगढ़ की पहाड़ी, है ना, पहाड़ पे पहुंच गए, हो गया बहुत ऊपर आ गया मैं करके, ठीक है। सरगुजा ही को चुना, रायपुर को नहीं चुना, रायपुर में पहाड़ नहीं है करके, ठीक है, यहाँ नाला है। तो रामगढ़ की पहाड़ी में पहुंच गए। अब रामगढ़ की पहाड़ी में उन्होंने क्या किया, कौन सा ग्रंथ, मेघदूत, मेघदूत या मेघदूतम, है ना, ग्रंथ की रचना की, मेघदूत ग्रंथ की रचना रामगढ़ की पहाड़ी में, सीता बेंगरा गुफा बता चुका हूं, है ना, वापस से नहीं लिखवा रहा हूं, मेघदूत ग्रंथ की रचना की। और इसी मेघदूत ग्रंथ की, है ना, छत्तीसगढ़ भाषा में अनुवाद, सॉरी छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, इसी मेघदूत ग्रंथ की छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद, छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया, मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी अनुवाद जो है मेघदूत या फिर मेघदूतम का, जिनके रचयिता कौन है, कालिदास जी हैं, ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया। यहाँ तक क्लियर हो गया। राजवंश किसका चल रहा है अभी, किसका काल चल रहा है, प्रवरसेन द्वितीय का। तो उसके समय में घटनाएं हुई हैं, कहीं कहीं पे आपको प्रवरसेन प्रथम का मिल जाएगा, लेकिन वो कहानी लिंक नहीं कर पा रहे हैं करके वैसा छपा हुआ है, ठीक है,
बट मैंने बताया कि प्रवरसेन द्विती कहाँ से आए, तो कालिदास जी जो है वो प्रवरसेन द्विती के शासन में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मेघदूतम या फिर मेघदूत की रचना की, ठीक है। और कालिदास जी ने सरगुजा को क्या कहा, सरगुजा को क्या कहा इन्होंने, स्वर्ण द्वार। स्वर्ण द्वार कहा, किसने कहा, कालिदास जी ने, ठीक है। ये जो करता हूं मैं, जो एरो या कनेक्शन है ना, इससे ज्यादा अच्छे तरीके से जहन में रहती है चीजें और समझ में आती है ना डायरेक्ट। अब अगर आपको बनाना है, अगर नोट्स बनाना है, जो लोग देख के बना रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा बना सकते हो छोटा छोटा, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक। चलिए, हो गया प्रवरसेन द्विती का राज्य। अब इसके बाद प्रवरसेन द्विती के समय में एक ताम्रपत्र मिलता है। क्या मिलता है, ताम्रपत्र, जो कि अपूर्ण है। अपूर्ण अर्थात पूरा नहीं है, टूटा हुआ होगा या फिर कुछ चीजें मिट चुकी होंगी, है ना, पूरे अक्षर नहीं होंगे, पूरे वाक्य नहीं होंगे, पूरी जानकारी नहीं होगी, वो अपूर्ण है किसी भी तरीके से। भौतिक रूप से अपूर्ण हो सकते हैं, फिजिकल डैमेज के थ्रू, है ना, या फिर जो लेटर्स है, जो अक्षर है उनके थ्रू, ठीक है, अपूर्ण है। ये मिला कहाँ से है, दुर्ग से, दुर्ग से प्राप्त। इस चीज को याद रखना कि मिला है दुर्ग से, मिला कहाँ से है, दुर्ग से, लेकिन प्रचारित किया गया है, मतलब जारी किया गया है, प्रचारित मतलब जारी किया गया है ना, जारी किया है, प्रचारित किया गया कहां से, पद्मपुर। पद्मपुर कहां पे, उड़ीसा, क्लियर, ठीक है। ताम्रपत्र मिला है कहां से, ताम्रपत्र मिला है अपूर्ण है, कहां से मिला है, दुर्ग से, दुर्ग जिले से, है ना। प्रचारित कहां से किया गया है, जारी कहां से किया गया है, पद्मपुर। पद्मपुर कहां पे है, उड़ीसा, है ना। और इसकी जो एक विशेषता है, इसमें उल्लेख किस चीज का है, इसमें बताया क्या गया है, जानकारी जो है इसमें, है ना, जो इसमें जानकारी है इस ताम्रपत्र में, वो जानकारी क्या है, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, जानकारी में लिखा हुआ है, प्रवरसेन प्रथम का दौहित्र, ग्रैंडसन, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम का दौहित्र, है ना, पौत्र, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम का दौहित्र और पौत्र। तो इसने संभवतः अपने बारे में बात कर रहा होगा ये, है ना, संभवतः स्वयं, संभवतः स्वयं की बात कर रहा होगा, क्योंकि ताम्रपत्र किसका है, प्रवरसेन द्विती का, अपूर्ण है, इसीलिए हम संभवतः लिख रहे हैं, पूर्ण रहता तो संभवतः नहीं, क्लियर हो जाता, संभवतः नहीं रहता, एग्जैक्टली रहता, है ना, ठीक है, कि हाँ हुआ है, वही है। तो संभवतः पदमपुर से प्रचारित हुआ है, जारी हुआ है, मिल रहा है दुर्ग में। जानकारी में क्या है कि प्रवरसेन, प्रवरसेन का दौहित्र, ग्रैंडसन या पौत्र, उसमें नाम किसका है, मतलब नाम नहीं है, वो स्वयं की बात कर रहा है, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्रवरसेन का दौहित्र, प्रवरसेन का पोता, प्रवरसेन प्रथम का पोता, किसको बोला जा रहा है, प्रवरसेन द्वितीय को। प्रवरसेन द्वितीय कौन, दामोदर सेन, दामोदर सेन कौन, रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र। तो इसी हिसाब से जो रुद्रसेन द्वितीय है, इसी हिसाब से वो प्रवरसेन प्रथम का संभवतः तीसरा पुत्र कहा गया है। अच्छे से इसको रिपीट करके सुनना, ठीक है, जो हमने देखा था, प्रवरसेन प्रथम का संभवतः तीसरा पुत्र रुद्रसेन द्वितीय को बताया गया है, ठीक है। और इस चीज की पुष्टि यहाँ पे इसलिए हो जा रही है कि जो प्रवरसेन द्वितीय का जो ताम्रपत्र मिला है, उसमें ये स्वयं को प्रवरसेन प्रथम का पोता बता रहा है। इसके हिसाब से इसके पिता रुद्रसेन द्वितीय ही होंगे, जो कि वास्तविक में है, क्लियर है सबको। चलिए, प्रवरसेन द्वितीय तक हो गया, इसको मिटा दूंगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट।
चलिए 15 मिनट की क्लास रह गई है, उसमें कंप्लीट करना है ना। एक राजा का बस थोड़ा बड़ा है, बाकी का सब छोटा छोटा है, ठीक है। ये कौन से क्रम के शासक पढ़े थे अभी? छठवे, प्रवरसेन द्वितीय छठवे थे, है ना। उसके बाद शासक में लिखना आप नरेंद्र सेन। सातवां शासक लिखना आप नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन है ना, प्रथम द्वितीय नहीं, केवल नरेंद्र सेन, ठीक है। अब देखिए ये लिंक नहीं मिलता है कि प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन कहाँ से आए, कोई लिंक नहीं मिलता है ना। बस जो क्रम जो प्राप्त हुए विवरणों में उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब प्रवरसेन के एक पुत्र थे, नाम क्या था? पृथ्वीसेन द्वितीय। प्रवरसेन के पुत्र कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। अब पृथ्वीसेन द्वितीय का एक ताम्रपत्र मिलता है, इनका एक ताम्रपत्र मिलता है, बालाघाट ताम्रपत्र। बालाघाट ताम्रपत्र, बालाघाट कहाँ पे? एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश तक बात पहुंच चुकी है। बालाघाट ताम्रपत्र कहाँ पे मिला? बालाघाट ताम्रपत्र पृथ्वीसेन द्वितीय का। इसमें पृथ्वीसेन क्या बता रहा है? दो चीजें है ना। पृथ्वीसेन इसमें बता रहा है, पहली चीज जो है कि मेरे पिता, ये अपने पिता की जानकारी दे रहा है, ठीक है। जो जानकारी है पिता की है, ठीक है, पिता की जानकारी है। और जानकारी में जो पहली जानकारी है जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि कौशल, कौशल वाला क्षेत्र मतलब अपना छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला कौशल, ठीक है। मालवा, मालवा का क्षेत्र मतलब राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाजू में जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो राजस्थान पड़ेगा, कौशल मालवा। और मैकल क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है, मैकल क्षेत्र। इन तीनों जगह पे, ठीक है, अधिकार था। किसका अधिकार था? मेरे पिता का। ठीक है, पिता कौन? नरेंद्र सेन। पुत्र कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। बालाघाट ताम्रपत्र, ठीक है, कहाँ पे मिला? बालाघाट एमपी में। उसमें जानकारी किसकी है? पिता की जानकारी है। पिता में क्या बता रहा है कि कौशल जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है उड़ीसा को मिला के, दूसरा है मालवा जो राजस्थान और एमपी वाला क्षेत्र है, तीसरा मैकल क्षेत्र जो राजनांदगांव खैरागढ़ अपना ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो मुंगेली और कबीरधाम तक फैला है, ठीक है, उस क्षेत्र में अधिकार किसका है? मेरे पिता का अधिकार है, ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, बता रहा है, समझ गए। पृथ्वीसेन द्वितीय बता रहा है, नरेंद्र सेन उनके पिता है, उसके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज ये फिर से बताता है, अधिकार तो है, ठीक है, लेकिन एक क्षेत्र है कोरापुट, एक क्षेत्र है कोरापुट। कोरापुट कहाँ पे? बस्तर, एग्जैक्टली बस्तर, बस्तर में कोरापुट है, ठीक है। कोरापुट कहाँ है? बस्तर, कोरापुट बस्तर है। वहां पे शासक कौन है? नल वंश के शासक है, नल शासक, पानी वाला नल नहीं, ठीक है, नल शासक है। तो कोरापुट है बस्तर में, नल शासक है, तो क्या हो रहा है? नल शासक है तो इसका पिता के साथ संघर्ष है ना, इनका, इनका संघर्ष किसके साथ? पिता के साथ होते रहता था। क्लियर है? ठीक है,
नरेंद्र सेन एक शासक हुए, उनके पुत्र है पृथ्वी सेन द्वितीय, उनका एक ताम्र पत्र मिलता है बालाघाट से, जो बालाघाट है एमपी में, उसमें वो अपने पिता के बारे में जानकारी बोलते हैं, बता रहे हैं। और पहली जानकारी वो क्या दे रहे हैं यहाँ पे कि कोशल जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का सम्मिलित क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का मध्य और पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है, ये जो क्षेत्र है उसके साथ मालवा, मध्य प्रदेश और पश्चिम की ओर जाएंगे तो राजस्थान वाला हिस्सा, और तीसरा जो मैकल क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का मध्य के बाद जो पश्चिम वाला हिस्सा रह गया था उसको भी इसने सम्मिलित कर लिया। तो अगर देखा जाए तो उड़ीसा से लेके पूरा छत्तीसगढ़, फिर एमपी और राजस्थान पूर्व की ओर बढ़ ही रहे, उस पूरे क्षेत्र में मेरे पिता जो कि नरेंद्र सेन है उनका अधिकार था, किंतु जो कोरापुट क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, बस्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पे नल शासक थे, नलवंश के शासक थे, उनका मेरे पिता नरेंद्र सेन के साथ क्या था, संघर्ष चलता ही रहता था हमेशा। ये हो गया। चलिए अब एक अभिलेख, अभी नरेंद्र सेन का खत्म नहीं हुआ, ठीक है, एक और अभिलेख लिखना, रिद्धिपुर अभिलेख। रिद्धिपुर अभिलेख, ठीक है, रिद्धिपुर अभिलेख किसका है? अच्छा, रिद्धिपुर अभिलेख मिला है अमरावती से, है ना, अमरावती, अमरावती कहाँ, महाराष्ट्र में, अमरावती से रिद्धिपुर अभिलेख मिला है, और रिद्धिपुर अभिलेख किसका है, भवदत्त वर्मा। रिद्धिपुर अभिलेख किसका है, भवदत्त वर्मा है, जो कि है नल शासक है। भवदत्त वर्मा जो है वो नल शासक हैं, उनका ही क्या है, रिद्धिपुर अभिलेख है, जो कि अमरावती महाराष्ट्र से मिला है। आवाज़ आ रही है सबको? अगर आ रही है तो हाँ बोल दो, नहीं आ रही है, अटक रहा है आवाज़ सर। चलिए अगर और अटके तो बताना। ठीक है, तो रिद्धिपुर अभिलेख जो है भवदत्त वर्मा का है, ठीक है, कहाँ से मिला है, अमरावती महाराष्ट्र से। तो जो भवदत्त वर्मा थे नल शासक थे, है ना, इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया, आक्रमण किस पर किया, नरेंद्र सेन पे, ठीक है, और क्या किया, जो राजधानी थी, राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन, ठीक है, जो राजधानी थी नरेंद्र सेन की नंदीवर्धन, ठीक है, उसको क्या किया, तहस नहस कर दिया, ऐसे ही लिखना, तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट, ठीक है। आक्रमण पराजित कौन हुआ, नरेंद्र सेन पराजित हुआ। क्लियर है यहां तक? रिद्धिपुर अभिलेख भवदत्त वर्मा का, भवदत्त वर्मा कौन है, नलवंशी शासक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया नरेंद्र सेन के ऊपर, नरेंद्र सेन जिसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, और इनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद जो इनकी राजधानी है नंदीवर्धन, जो वाकटकों की राजधानी है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको तहस नहस, नष्ट भ्रष्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है, नहीं लिखोगे चलेगा, बस सुन लो, ठीक है, एक और चीज़ होती है जो यहाँ पे भवदत्त वर्मा के साहस का परिचय देता है, ठीक है। नंदीवर्धन में क्या किया, इसने आक्रमण किया, पराजित भी कर दिया, ठीक। उसके बाद जो ताम्रपत्र है ना, उसने इसी की राजधानी से प्रचारित किया, जो मिला है कहाँ, अमरावती में, लेकिन वो जो ताम्रपत्र है प्रचारित यहीं से हुआ है, प्रचारित यहीं से हुआ है। तो उस समय के जो अन्य राजवंश के जो शासक थे, है ना, वो भी अचंभित रह गए उसके इस कृत्य से, कि एक तो राजधानी में जाके तहस नहस कर दिया, पराजित कर दिया, राजधानी जला डाली, उसके बाद उस राजा को और नीचा दिखाने के लिए कि हम ये भी करेंगे, ठीक है, उसकी ही राजधानी से क्या किया,
जो ताम्र पत्र है जिसमें उल्लेख किया गया है कि मैंने कैसे आक्रमण किया, कैसे मैंने कैसे पराजित किया, पराजित करने के पश्चात मैंने क्या क्या काम किए, उस चीज का विवरण जो है वहीं से उसकी राजधानी से ताम्र पत्र को प्रचारित करके दिया इसने। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो नरेंद्र सेन सातवें क्रमांक के शासक हुए वाकाटाक राजवंश में। ठीक है, पुत्र कौन हुए इसके? पृथ्वी सेन पुत्र हुए। ठीक है, पृथ्वी सेन का बालाघाट ताम्रपत्र जो कि है महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में, वहां से मिलता है। उसमें अपने पिता के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं पहली जानकारी में कि कौशल, मालवा और मैकल क्षेत्र में मेरे पिता का अधिकार था। ठीक है, दूसरी जानकारी देते हुए क्या बोलते हैं कि कोरापुट जो बस्तर वाला क्षेत्र है वहाँ पे नलवंशी शासक थे, शासकों का शासन था और ये हमेशा लड़ाई करते थे, है ना, संघर्ष चलते रहता था, सत्ता का संघर्ष किसके साथ? नरेंद्र सेन मेरे पिता के साथ। ठीक है, और इस संघर्ष की पुष्टि कब हो जाती है? जब दूसरा नरेंद्र सेन के काल का जो दूसरा ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, रिद्धिपुर अभिलेख, रिद्धिपुर ताम्रपत्र भौदत्त वर्मा का जो कि नलवंशी शासक है, इसने ताम्रपत्र में क्या जानकारी दे रहे हैं ये कि इन्होंने जो नरेंद्र सेन है वाकाटाक राजवंश के शासक है ना, जिनकी राजधानी नंदीवर्धन है, तो इसने उस पर आक्रमण करके पराजित किया और राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया और उसी राजधानी से, नंदीवर्धन से ही जो ये रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है ना, इसको वहीं से प्रचारित किया। ठीक है, चलिए चलिए आगे के शासक है ना, एक दो हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां पे पूरा नहीं होगा, आप भी बोर हो जाओगे। आज की क्लास का कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, टेलीग्राम में डालना। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है और चुपचाप से बैठे हो तो अच्छी बात नहीं है ये। ठीक, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।